सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। बैठ जाइए। सस्त आंखें बंद करें, लंबे गहरा सांस ले और श्वास धीरे छोड़े। एक बार ओमकार के उस चेंटिंग करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल टाइम ओमकार। ठीक है, अगेन इनहेल एंड गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, आके खोल ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा, किसी की कोई डाउट है तो बता दो, तो आगे शुरू करेंगे। फिर क्या पढ़ रहे थे, क्या हो गया था हमारा, कोई बताएंगे जल्दी से बताओ। क्या पढ़ रहे थे हम, क्या हो गया था बताओ। सर ये इंडक्टिव आर्गुमेंट है, वो ही एक बार बता दीजिए ना फिर से। हाँ, आज ही फिर से शुरू करेंगे पूरा। तो अभी तक हमने पढ़ा था इस बारे में, सिलोलिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे, सिलोलिज्म के सर बारे में। सर हमको चेयर वाला बहुत अच्छा समझ में आएगा, चेयर फर्नीचर मेजर माइनर मिडिल कॉन्फ्लुएशन वाला बहुत अच्छा से समझ में आ गया। वीडियो जब रिपीटिंग देखे दो बार तब समझ में आ गया। अभी पढ़ेंगे हम, जो अभी जो पढ़ेंगे उसको तो हमने ये वाला पढ़ा था, कैटागोरी प्रपोजिशन क्या होता है, ये वाला पे हम देखे थे, ये वाला हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट का टाइप क्या होता है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को बताया कि आर्गुमेंट जो होता है दो चीज बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से बनती है। क्या होता है, आर्गुमेंट बनता है। लेकिन आर्गुमेंट क्या होता है एक्चुअली, आर्गुमेंट क्या होता है कि जब हम अपने बात, मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई घर वाले हैं, आप किसी को अपने बात, कुछ बात अपने मन माने चाहते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे हम आर्गुमेंट का यूज करते हैं। कि जब आप किसी को अपने बात मनवाने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है, दो प्रकार होता है, एक आपका होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, एक होता है आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव क्या होता है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट वो वाला आर्गुमेंट होता है कि जहाँ पर क्या होता है कि कंक्लूजन नेसेसरली एंड कारेंटली फॉर द प्रीमाइस। कि क्या होता है कि जहाँ पर डिडक्टिव में क्या होता है कि कंक्लूशन क्या होता है, कि कंक्लूशन जो आपका है वो कहाँ है कि वो प्रीमाइस से ही निकल कर आता है, कि डायरेक्टली वो प्रीमाइस से ही निकल कर आता है, कोई बाहर से नहीं आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था आपका कि सूरज के यु के धूप की सूरज के किरणों में क्या होता है, हार्मफुल यूवी होता है, वो तो क्या होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए क्या करना है, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना क्या है, जरूरी है। तो क्या है, ये आपका जो कंक्लूशन जो है कहाँ से आया, ये आपका प्रीमाइस से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, कि डायरेक्टली क्या होता है, वो प्रीमाइस से ही निकल के आते हैं। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है, वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड होता है। वैलिड क्या होता है कि जहाँ पर क्या हो गया कि व्हेन द बोथ प्रीमाइस एंड कंक्लूशन ट्रू, देन इट इज कॉल्ड वैलिड आर्गुमेंट। कि जहाँ पर आपका प्रीमाइस और कंक्लूशन दोनों क्या हो, सही हो, वो क्या होता है आपका वैलिड आर्गुमेंट। जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया था कि सूरज की किरणों में हार्मफुल यूवी होता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमें बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो क्या है कि आपका जो प्रीमाइस क्या है, ट्रू है, तो इसीलिए क्या होगा, कंक्लूशन क्या आएगा, वो भी ट्रू आएगा। ये सर नो, समझ में आ गया। वैलिड क्या होता है कि जहां पर आपका प्रीमाइस और कंक्लूशन दोनों सही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। अब आते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होता है। कि इनवैलिड क्या होता है कि व्हेन द प्रीमाइस अ ट्रू बट कंक्लूशन इज फॉल्स। कि जहां पर आपको क्या देखे कि प्रीमाइस आपको सही दे रहा है, प्रीमाइस जो है आपका वो आपका क्या है, वो आपका सही दे रहा है, लेकिन कंक्लूशन क्या दे रहा है, वो गलत दे रहा है। जैसे
मैंने उदाहरण दे रहा हूँ एक, वो देख लो कि जैसे मैंने अभी तक बोला जो उदाहरण दिया था कि सूरज के किरणों में यूवी रेस होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है, वो हमें सनस्क्रीन में प्रोटेक्ट करता है। अब मैंने उदाहरण दे दिया, ये मेरा क्या है, प्रीमैच है। अब मैं कंक्लूशन क्या दे रहा हूँ कि कंक्लूशन में दे रहा हूँ कि इसीलिए बाहर जाने से पहले काला टीका लगाकर बाहर जाना चाहिए, इसीलिए बाहर निकलने के पहले क्या करना है, काला टीका लगाने जाएंगे तो हम क्या होगा, हमें यूवी रेस क्या हम हार्मफुल नहीं होगा। तो ये क्या है, जो मैंने जब प्रीमाइज दिया और कंक्लूशन दिया, क्या सही कह रहा है? प्रीमाइज तो मैं सही दे रहा हूँ, लेकिन कंक्लूशन क्या सही निकल कर आ रहा है, यस और नो? गलत आ जी रहा है सर, ना, गलत आ रहा है। तो क्या हो गया कि मैं प्रीमाइज तो सही दे रहा हूँ, लेकिन कंक्लूशन क्या आ गया, झूठ हो गया। अब देखो बहुत सारे ऐड आता है, ऐड में क्या होता है, आप जब टीवी देखते हो, टीवी में क्या होता है, बहुत सारा ऐड आता है, आप देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य क्या है, जैसे बहुत सारे ऐड में आता है कि आपका जो हेल्थ है वो खराब है, क्योंकि आप अच्छे भोजन नहीं करते हो, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, इसीलिए क्या हो रहा है, आपका जो है हेल्थ खराब हो रहा है। कारण क्या है, इसीलिए क्या करें, इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट लीजिए तो आपका जो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। क्या ये सही दे रहा है? प्रीमाइस तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कंक्लूशन क्या सही दे रहे हो? नो सर, नो, सही नहीं दे रहे ना, गलत दे रहा है। मान लो यही कह रहा है कि भाई हेल्थ खराब है, ये तो सही कह रहा है कि हाँ आपका हेल्थ खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि आप भोजन नहीं लेते अच्छे से, आपका जो है आप नींद नहीं लेते हैं, इसके कारण आपका क्या होता है, आपका शरीर खराब होता है। प्रीमाइज तो सही दे रहा है, लेकिन कंक्लूशन क्या दे रहा है कि हमारा ये रॉकेट ले लो, ये रॉकेट लेने से क्या होगा, आप इसको पेन लोगे तो आपका जो है सारे जो है प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। क्या ये सही कह रहे हो? प्रीमाइज तो सही दे रहा है, लेकिन कंक्लूशन क्या दे रहा है? प्रीमाइज सही दे रहा है, लेकिन कंक्लूशन क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। समझ में हेलो आ गया, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, यस और नो? अब आते हैं साउंड क्या होता है। तो डिडक्टिव के एक पार्ट होता है साउंड। साउंड क्या होता है, साउंड वो वैलिड आर्गुमेंट की तरह ही होता है। साउंड जो है वो क्या है, वो वैलिड ही होता है, जो सुनने में क्या हो, सेंसिबल लगे, जो आप सुन रहे हैं वो सुनने में क्या हो, आपको अच्छा लगे, वो सेंसिबल फील हो, उसको हम क्या है? यहाँ पर देखो कि एन आर्गुमेंट डिनोट द बोथ द ट्रू ऑफ द इट प्रीमाइज ए लॉजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। आप जो प्रीमाइज जो दे रहे हैं वो भी क्या है, आपको सही दे रहे हो, किंतु लॉजिकली क्या है, वो भी स्ट्रेंथ है। वो लॉजिकली क्या है, वो जो आपको तर्क दे रहे हो वो भी, उसमें भी क्या है, उसमें आपको जोर दे रहे हो कि हाँ भाई ये सही बात कह रहा है। जैसे मैंने बोला कि जो आपको जो वैलिड का उदाहरण दिया था, वही उदाहरण यहाँ पर ले लो, एग्जाम्पल ले लो, वो क्या कर रहा है, आपको वो सही तर्क दे रहा है। तो जहाँ पर सुनने में क्या हो रहा है, आपको सुनने में क्या है, आपको सेंसेबल लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो साउंड में क्या होता है, वो वैलिड आर्गुमेंट की तरह ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते भाई, आगे है अनसाउंड। हिंदी देख लो, हिंदी जिसको आता है, निगमन तर्क आगमन तर्क जो भी है आप पढ़ लेना, हिंदी जिसको पढ़ना है, मुझे इतना हिंदी आते है लेकिन इतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देख लो कि साउंड एंड आर्गुमेंट। साउंड क्या हो गया, वो तो हो गया साउंड क्या होता है, ये वाला था आन साउंड क्या होता है। ठीक है, कि एन आर्गुमेंट नॉट साउंड, ये आन साउंड होगा। ठीक है, इसमें गलत कर दिया, ये आन साउंड होगा, यहाँ पर यू होगा, आन साउंड, आन साउंड। कि एन आर्गुमेंट इज नॉट साउंड, कि जहां पर आपका जो आर्गुमेंट है सुनने में सेंसिबल नहीं लग रहा है। जैसे आप एक उदाहरण ले लो, कोई मान लो कार्यकर्ता जो होता है, नेता मंत्री, वो नेता कह रहा है कि मान लो जो जिसका भी राज चल रहा है हमारे देश में, वो कह रहा है कि देखो हमारे जो जो नेता है वो, उसके लिए हमारे देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत देश बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है वगैरह वगैरह। क्या ये सुनने में आपको सेंसिबल लग रहा है कि सही में आपका देश तरक्की कर रहा है? बताओ, सुनने में सेंसिबल लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना, कि एक नेता आके कह रहा है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, कुछ वो लॉजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि देखो भाई ये बहुत हमारा जो देश है वो क्या है, ताकत पर हो चुका है, हमारा ये हो चुका है। लेकिन अभी आप देखो
कि हमारा देश अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। तो सुनने में क्या हो रहा है आपको, सुनने में क्या होता है अनसाउंड लग रहा है, सुनने में भी क्या होता है वो सेंसिबल फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो सुनने में सेंसिबल फील नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अनसाउंड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है। कि इंडक्टिव आर्गुमेंट, इंडक्टिव क्या होता है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट इज वन विच द इम्प्रोबेबल दैट इज द कंक्लूजन इज फॉल्स गिवन दैट इज द प्रीमाचर ट्रू। क्या करें इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव प्रीमाइस क्या होता है, हमें अभी तक इंडक्टिव आर्गुमेंट डिडक्टिव पढ़ा है, वैलिड क्या होता है इनवैलिड क्या होता है समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं कि इंडक्टिव होता क्या है, इंडक्टिव में क्या होता है कि इंडक्टिव में जैसे हमने यहाँ पर देखा था डिडक्टिव में यहाँ पर वो कह रहा था कि करेक्टली नेसेसरीली डेफिनेटली वाली बात होता है डिडक्टिव में, लेकिन यहाँ पर जो आपका होता है इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है आपका, वो आपका इंडक्टिव जो आर्गुमेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका कोई डायरेक्टिव वाली बात नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं आपने जो प्रीमाइस लिया उस प्रीमाइस को जो है क्या करते हैं वो गाइड करता है किसके लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए। प्रीमाइस जो है उसको गाइड करता है किस क्यू कंक्लूजन निकालने में और हेल्प करते हैं क्यों कि आपका जो प्रीमाइस कंक्लूजन जो है आपका सही निकल कर आए, मैं गलत सही हो गलत हो ऐसे निकल कर आए। तो जैसे हमने देखा था डिडक्टिव में क्या होता था, डिडक्टिव में डायरेक्टिव वाला होता कि जो प्रीमाइस में था वही निकल कर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव में कि थोड़ा अलग होता है, इसमें डायरेक्टिव वाला बात नहीं होता, इसमें मोस्ट लाइकली वाला बात होता है कि जो बात सबके लिए सही भी हो ना भी हो आप अनुभव के तौर से क्या आधार से क्या करते हो उस बात को मानते हो। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको उस दिन, समझ में किसी को नहीं आया था, इंडक्टिव में क्या होता है कि जनरली प्रीमाइस से निकल कर आती है, कि जनरली जो बात प्रीमाइस से निकल कर आता है जरूरी नहीं है जो निकल कर आए, ठीक है, वो कुछ जरूरी नहीं है जो प्रीमाइस से निकल कर आए। जैसे मैंने आप बताया था कि कभी कभी आपको लगता है कि आज बारिश होगा, आप देखते हो आपको कभी कभी आप देखते हो तो आपका अनुभव होता है कि आज बारिश होगा, काफी दिन से बारिश नहीं हुई है तो बड़ी गर्मी भी हो आज हो रही है, तो क्या होता है कभी कभी आपका बात सही भी हो जाता है, कभी बारिश होता है कभी नहीं होता है, कि कभी आप उस जो बात कह रहे हैं वो सही हो जाता है कभी वो गलत भी हो जाता है। तो आपने क्या करा, आपने अपने अनुभव के आधार पर कि डेफिनेटली बात नहीं आता इसमें क्या होता है मोस्ट लाइकली वाली बात होता है, कि आपने आपके आधार पर उसका कंक्लूजन दिया कि भाई मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ और मौसम भी बहुत गर्म है तो लग रहा था आज बारिश होगा, होता है कभी कभी बारिश हो जाता है कभी कभी नहीं होता है, जब होता है तो आप कहते हैं कि देखा मैंने बोला था बारिश होगा, अब मान लो आपने बोला था नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसमें आपका गलती है नहीं है ना, कि हो सकता है कि आपने अनुभव के बात कहते इसे डेफिनेटली करके हाँ होगा ही होगा। इसमें क्या होता है कि इंडक्टिव में इसमें आप अनुभव का जो है यूज करते हैं, अपने अपने अनुसार से उसको क्या करते हैं प्रीमाइस को जो कंक्लूजन आता है उसको अपने अनुभव से निकालते हैं, वो कभी सही भी होता है और गलत भी होता है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर वो लिखा है कि विच इम्प्रोबेबल दैट कंक्लूजन इज फॉल्स गिवन दैट प्रीमाइस इज ट्रू। मैं क्या बोला कि प्रीमाइस से सही दे रहा हूँ, कभी कभी कंक्लूजन सही भी निकल कर आता है और गलत भी आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया प्रीमाइस इंडक्टिव क्या होता है सर। हाँ तो क्या, लेकिन आप जो ये बोल रहे थे ना डिडक्टिव में जो है वो आर्गुमेंट प्रीमाइसेस से ही निकल कर आता है, तो इंडक्टिव में कहाँ से, मतलब ऐसा समझे हम? आज वही कह रहा हूँ कि प्रीमाइस तो दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला प्रीमाइस दे रहा हूँ आपकी आज बारिश होगा काफी दिनों से बारिश नहीं होगा, ये क्या है प्रीमाइस होता है, आपने प्रीमाइस दे दिया, प्रीमाइस तो आप सही दे रहे हैं कि बारिश हुआ नहीं होगा, लेकिन जब कंक्लूजन निकल कर आता है तो क्या होता है कभी आपको लगता है कि बारिश हो गया तो ठीक है आपका कंक्लूजन सही है, मान लो नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली वाली बात आता है कि आता है मोस्ट, ये बात याद रखना हमेशा कि मोस्ट लाइकली, कि कभी कभी लगता है मोस्ट लाइकली कि भाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है डेफिनेट वाला होता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको याद रखना, ओके।
मतलब प्रिमाइसेस हमेशा सही रहेगा, लेकिन उसका कंक्लूजन राइट भी हो सकता हाँ है, रॉन्ग भी चार हो का कुछ सकता सही पता नहीं कि हो भी सकता है कि आपका प्रीमाइस से वो कंक्लूजन सही भी आ जाए, हो सकता है कि प्रीमाइस तो बात गलत भी आ जाए। तो आपको यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि भाई हम जो कह रहा है वो सही होगा, आप जो कह रहे हो सही होगा, आप जो कह रहे गलत गलत होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है मोस्ट लाइकली कभी कभार आपका बात सही भी हो जाए, कभी कभार का बात गलत भी हो जाए। जैसे मैंने उस दिन दिया था कि जब जो मौसम विभाग वाले कहते हैं कि देखना आज नोएडा से दिल्ली इतने किलोमीटर घंटे से बीच में घूर्णी होगा, बारिश होगा, तूफान होगा, बहुत सारे कुछ होगा, लेकिन कभी देखते हैं कि वो बात सही होता है, कभी वो बात सही नहीं होता है। तो क्या करते हैं, तो वो भी जो मौसम विभाग वाले तो भी क्या करते हैं, वो झट से अपने बात चेंज कर लेते हैं कि भाई किसी वजह से इसके कारण से बारिश नहीं हुआ। वो क्या करता है, आप कंक्लूशन देगा क्योंकि आपने तो बोला था, उसको तो कंक्लूशन निकालना होगा ना। फिर तो ऐसे होता है कि वो भी अपने अनुभव से बात करता है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमेशा उसका बात सही होता है, नहीं होता है। तो जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो इंडक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि इंडक्टिव दो प्रकार होता है, कोजेंट होता है, एक होता है अनकोजेंट। ये कोजेंट क्या होता है, अनकोजेंट क्या होता है, ये कोजेंट अनकोजेंट। कोजेंट क्या होता है कि कोजेंट जो आपका है वो आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट की तरह ही होता है। कोजेंट आर्गुमेंट इज द इंडक्टिव आर्गुमेंट दैट इज द बोथ इन स्ट्रॉन्ग एंड द इट प्रीमाइस ट्रू। क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये डिडक्टिव आर्गुमेंट की तरह ही होता है कि प्रीमाइस क्या होगा, ट्रू होगा, तो कंक्लूशन भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अब मान लो मैंने कहा कि आपका प्रीमाइस तो ट्रू दे रहे हैं, तो कंक्लूशन भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बात क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा कि दैट यहाँ का आर्गुमेंट दैट इज द बोथ स्ट्रांग एंड ऑल प्रीमाइस इज प्रीमाइस ट्रू। आपका जो भी प्रीमाइस आएगा वो सही होगा, तो कंक्लूशन भी क्या आएगा, सही आएगा। तो कोजेंट क्या है, कोजेंट आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट का तरह ही होता है, या आप मान लो कि जो वैलिड आर्गुमेंट होता है उसके तरह ही होता है। अनकोजेंट क्या होता है कि अनकोजेंट में क्या होता है, प्रीमाइस ही गलत हो जाता है। अब मान लो जहां प्रीमाइस ही गलत हो गया तो वहां क्या कंक्लूशन निकल कर आएगा, बताओ मुझे, आएगा नहीं नहीं आएगा ना, क्योंकि वहां पर जहां पर आपका प्रीमाइस से गलत हो जाएगा तो क्या होगा, आपका आर्गुमेंट क्या हो गया, वीक हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रोंग नहीं रहेगा, वो वीक हो जाएगा। और जहां आपका प्रीमाइस से क्या होगा, ट्रू हो गया, तो आपका कंक्लूशन भी क्या होगा, आपका जो आएगा वो क्या होगा, आर्गुमेंट भी क्या होगा, वो स्ट्रोंग होगा, वो आपका कोजेंट होता है। अनकोजेंट में क्या होता है कि आपका प्रीमाइस से क्या होता है, गलत होता है। तो आप देखे हो कि जहां पर आपका प्रीमाइस से गलत हो गया तो क्या होगा, आपका जो आपका आर्गुमेंट आएगा क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। तो आपका क्या, आपका आ गया कोजेंट, अनकोजेंट, डिडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, वैलिड, इनवैलिड, साउंड साउंड। बताओ इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी बता दो, बताओ किसी को समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से। सर, ये अनकोजेंट थोड़ा समझो। अनकोजेंट मतलब मान लो यहाँ पर अनकोजेंट क्या होता है कि वेयर प्रीमाइस आर फॉल्स, मान लो कि आपने कुछ प्रीमाइस दे रहे हैं वही आप गलत दे रहे हो, प्रीमाइस से गलत दे रहे हो, तो आपका क्या जो कंक्लूशन सही निकल कर आएगा, बताओ मुझे। तो नहीं आएगा। यहाँ पर आपको अनकोजेंट में क्या होगा कि जब प्रीमाइस से गलत हो जाए तो आगे तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कि प्रीमाइस में गलत हो गया तो मेरे क्या कंक्लूशन कहाँ से निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा, वो आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है अनकोजेंट होता है। सर, इसका तो एग्जांपल बताइए ना। अनकोजन या एग्जांपल ले लो कि कुछ ऐसा कि जैसे अभी ये बोला था कि प्रीमाइस गलत करना है हमें, है ना, प्रीमाइस को गलत करना है। मान लो क्या बताओ इसमें, मैं मुझे तो कोई उदाहरण नहीं आ रहा है इसमें, आपको कुछ आ रहा है किसी के पास बता दो फिर। प्रीमाइस से गलत करना होता है, तो इसमें प्रीमाइस क्या गलत कर रहे फिर, जैसे जैसे अभी जो दिया था ना मैंने वो वाला कि प्रोडक्ट हेल्थ खराब है, तो हमारा ऐसे ले लो कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, वो हमारा जो है हमारा लॉकेट ले लीजिए, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो ये नींद वगैरह नहीं आता है
वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रीमाइस तो मैं गलत दे रहा हूँ, तो कहाँ से आगे क्या होगा फिर, कि आप रॉकेट ले लो तो हमारा जो है आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये वाला ले लो फिर, उल्टा कर दो उसको, तो ये वाला लेते हो ठीक है, ऑन्कोजन वाला। जी सर, ओके। तो क्वेश्चन किसी का नहीं है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया, डिडक्टिव इंडक्टिव वैलिड इनवैलिड साउंड अनसाउंड कोजन अनकोजन, ठीक है समझ में आ गया। तो आप कुछ दो तीन क्वेश्चन कर लो तो आगे आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने आगे करा था, तो आपको बताना है यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कैटेगरी प्रोपोजिशन इज वैलिड। इसमें आपको चार फॉर्म दिख रहा है, इसमें आपका देख कहना है कि इसमें आपका कौन सा जो है वैलिड है। साम एस इज नॉट पी, साम एस इज पी, साम एस इज नो एस इज पी, ऑल एस इज पी। आपको चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन है, इन चारों से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठेगा। बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? सर ब्लर दिख रहा है ना अच्छा सर, सभी और बैठेंगे ना। हाँ ये वाला और देख लो कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है इकोनॉमिक्स में आया था 2022 में, 2022 में आया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है ये वाला क्वेश्चन। कि यहाँ पर आपका कैटा का क्वेश्चन दिया गया है, चार आपका दिया गया कि साम एस इज नॉट पी, साम एस इज पी, नॉ एस इज पी, ऑल एस पी। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो प्रोपोजिशन की सारी वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आपका ये आपका ऑप्शन चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा, चारों या वैलिड होगा या एक भी नहीं होगा, बताओ फिर। चारों चारों वैलिड लग रहा है सर। लग रहा है मतलब अभी आप शंका में हो है ना, लग रहा है बात मैं नहीं समझ नहीं बोल कंफर्म। नहीं सर, ए आई ओ बन रहा है तो सही है, चारों ठीक है। हाँ तो सही है, तो सही है, बस कॉन्फिडेंस से बोलो कि सर लग रहा है, क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ सर सही कह रहा हूँ, सारे वैलिड होगा ये, क्योंकि एस इज पी, कुछ एस इज नॉट पी, साम एस इज नॉट पी ओ हो गया, साम एस इज पी आई हो गया, नो एस एच पी ई हो गया, ऑल एस एच पी ई हो गया, तो सारे तो वैलिड है, यस और नो है ना। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा ट्रिकी है, करो फिर ये वाला समझना पहले, अभी तो पढ़ाया मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव पे, कि इफ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड इट प्रीमाश्योर ट्रू हुई से दिज आर्गुमेंट साउंड। अब दूसरा का स्टेटमेंट टू कह रहा है, इफ एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इज स्ट्रांग एंड इट प्रीमाश्योर ट्रू वाई दैट इज कोजेंट। क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा, पहला गलत है दूसरा सही है, बता कौन सा होगा। दोनों सही है, दोनों सही है ना, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ना। यस सर। चलो दोनों सही है, क्योंकि डिडक्टिव जो आर्गुमेंट होता है वो क्या करता है, वो वैलिड ही होता है, यस और नो, वैलिड होता है और उसका प्रीमाइस भी ट्रू होता है और वो साउंड भी करता है, क्योंकि वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, वो साउंड की तरह ही होता है, इंडक्टिव क्या होता है, वो स्ट्रांग भी होता है, प्रीमाइस क्या होता है, जो ट्रू होता है, लेकिन क्या होता है, वो क्या होता है, वो वाई सीरीज कोजेंट, कोजेंट में क्या होता है, प्रीमाइस ट्रू होता है, तो क्या दोनों बात आपका सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, आप मान लो गलत करके आ जाएगा तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा आपके ऊपर, बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग में। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा ना ट्रिकी है, पहले समझना उसके बाद ही करना, ठीक है बड़ा कर दूं इसको, क्या दिख रहा है, माय वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन? यस सर, दिख रहा है।
चलो बताओ क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाई इंडक्टिव आर्गुमेंट। चार ऑप्शन आपका दिया गया है, आपको बताना है इनसे कौन सा जो आर्गुमेंट है वो इंडक्टिव आर्गुमेंट में अप्लाई होता है। दे आर नाइदर कंक्लूसिवली वैलिड और इनवैलिड, एडिंग द न्यू प्रीमाइस मेक द डिफरेंस टू आर्गुमेंट, एडिंग द न्यू प्रीमाइस स्ट्रेंथिंग एंड वीकन द आर्गुमेंट, एंड कंक्लूजन इज फॉलो प्रीमाइस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब बताओ इनमें से कौन सा जो होगा आपका सही होगा, कौन सा जो है वो इंडक्टिव आर्गुमेंट में सही बैठ रहा है, बताओ। सर इसमें कूट है क्या ए आंसर एंड सी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, चार ऑप्शन दिया गया इसमें आपका, उसके बाद देखो यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, दो है आपका ए एंड सी ओनली, थ्री बी एंड डी ओनली, फोर्थ ए एंड बी ओनली। इन चारों में से कौन सा होगा बताना है आपको, एंड डी होगा सर। ए एंड डी। ओके, ए एंड डी और ए एंड सी, और बताओ। अब मुझे बताओ कितने जनों ने ए एंड डी को वोट कर रहे हो और कितने जनों ने ए एंड सी को वोट कर रहे हो, बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ भाई, मैं धूप में हूँ, आप ए सी कहाँ आएगा। से। कौन आएगा, ए एंड डी या ए एंड सी? एनसी ए एंड सी, ठीक है। ए एंड सी जो कह रहे हो आप, तो मैं मुझे आपका जो है एक्सप्लेनेशन बताओ कि क्यों ए एंड सी है और क्यों ए एंड डी है, बताओ मुझे। सर मुझे तो सी भी सही और डी भी लग रहा था, इसलिए मैंने कूट मांगा कि क्या कूट में क्या दिया है। देखो यहाँ पर है ऑप्शन आपका ए एंड डी, ए एंड सी, ए बी एंड डी, ए एंड बी। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई बहुत आसान है, थोड़ा बहुत ट्रिकी था, बहुत आसान भी है, कि दे आर आर नाइदर कंक्लूसिव वैलिड और इनवैलिड। ये बात तो सही कह रहा है भाई, ये तो डेफिनेटली सही होगा, ये सर नो, क्योंकि इंडक्टिव में कोई भी वैलिड इनवैलिड के बाद नहीं होता, ये सर नो। जी सर तो एक तो ये सही होगा। अब आ जाओ डी पर। डी आपको पता है कि कंक्लूजन फॉलो प्री मच एब्सोल्यूट नेसेसरिटी, इसमें कौन सा आता है, जहां पर डेफिनेटली वाला बात आता है, कौन सा होता है वो? डिडक्टिव डिडक्टिव होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा, तो डी को काट दो। डी कहाँ कहाँ है, डी आपका ऑप्शन वन में है और ऑप्शन इसमें है थ्री में, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, बचा हमारा दो ऑप्शन। अब देखो ए सी और बी में देखो, ये तो सही हो जाएगा, इसका भी पता है। अब कह रहा है कि बी कह रहा है कि एड ए न्यू प्रीमाइस मेक ए नो डिफरेंस दैट टू द आर्गुमेंट, ये तो एक में भी नहीं बैठेगा, डिडक्टिव में भी नहीं हो रहा है, इंडक्टिव में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐड नहीं करते हैं, डिफरेंस भी नहीं करते आर्गुमेंट में, ये भी तो नहीं होगा, तो बचा हमारा कौन, सी कि एडिंग द न्यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सही बात कह रहा है कि जब इंडक्टिव में क्या आता है, स्ट्रेंथ वाला ही बात आता है और वीकनेस भी बात आता है, यस और नो। जो कोजेंट होता है वो स्ट्रांग होता है, जो अनकोजेंट होता है क्या होता है, वो क्या होता वीक है, वीक होता वीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आता है? तो सी का एक तो बार ये और बताइए सारे मेरा लेकिन। क्वेश्चन नहीं है, ये सारे मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सारे आपका प्रीवियस क्वेश्चन होता है, मैं उसी को लाता हूँ आपका, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई चलो ये पहला पढ़ लो, जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। सब बी और सी ऑप्शन एक बार और बताएंगे प्लीज। बी को आप ना भी लेते भी तो हो जाएगा, सी तो, सी तो क्या होगा, सी आपका देख लो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये तो इंडक्टिव में होता है। बी देख लो कि एडिटिंग कि एडिंग न्यू प्रीमाइस मेड नो डिफरेंस टू द आर्गुमेंट, कि नए अवधारणाओं के शामिल करने से तार्किक वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक सही कह रहे हो, बताओ मुझे। जब आप जी किसी को कुछ मनवाने का कोशिश करता हो तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, वो कह रहा है कि भाई
मैंने प्रीमाइस को भी ऐड नहीं करूंगा, कि प्रीमाइस को हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो जो आपका आर्गुमेंट होता है वो डिफरेंस हो जाता है। ये सही कह रहा है? नो बता मुझे ना, ये डिडक्टिव में बैठ रहा है ना इंडक्टिव में बैठ रहा है? कि डिडक्टिव में ये वाला बात नहीं होता कि डिफरेंस हो जाता है, इंडक्टिव में बात डिफरेंस नहीं होता है, तो ये तो दोनों में से नहीं बैठ रहा, तो बी तो नहीं होगा। तो बी हमारा ऑप्शन किस में था? ऑप्शन ए, तो ए भी नहीं होगा, तो बचा हमारा एक ही। जब एग्जाम पे क्वेश्चन करना ना, तो सब एलिमेंट वाला कहते थे कि वो आपका देख लेना जो क्या होता है वो वाला, कौन सा पहले देख लेना कि कौन सा सही होगा, उससे कर रहे हैं। चलो बताओ, ऐसा कोर्स लेना का कर सकते हो ना, फिर कर सकते हो, यस एंड नो? चलो यस सर, यस सर। ऐसा कोर्स लेना अगर कोई गलत कर देगी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, ये वाला कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई गलत कर देगा तो कहीं। अब आता है नया एक टॉपिक जो आपका टॉम्स, टॉम मैंने पढ़ाया था शायद थोड़ा बहुत है, देख लो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है फिर। सर बता दीजिए। चलो पढ़ लो फिर, टॉम्स क्या होता है? द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रोपोज आर कॉल्ड टॉम। अच्छा इसमें सही नहीं दिख रहा है। हाँ, कि द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट ऑफ द प्रोपोजिशन आर कॉल्ड द टर्म। अब आप कहेंगे कि सर क्या कह रहे हो आप, सब्जेक्ट प्रिडिकेट ऑफ द प्रोपोजिशन कॉल्ड टर्म, मतलब समझ में नहीं आया कुछ। चलो भाई यहाँ आ जाओ, ऑल मैन आर मोर्टल, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैन ऑल मैन आर मोर्टल, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैन 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 सब्जेक्ट। प्रिडिकेट कौन वाला है? मॉर्टल मोर्टल। मॉर्टल एक सेंटेंस कैसे बनता है? जब आप सेंटेंस बनाते हो तो किससे बनाते हो बताओ? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कुछ नहीं रहता है? प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन वाट के बिना सेंटेंस बना लोगी? वाट लगता है ना, वर्ड टर्म। तो मैन क्या है, ये भी एक टर्म होता है, मोटल भी क्या है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक वर्ड ही है। तो क्या होगा कि ऑल मैन आर मोटल, तो मैन क्या होगा सब्जेक्ट, मोटल की हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई कि द सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रोपोजिशन दैट आर कॉल्ड इज टर्म, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो प्रोपोजिशन में जो क्या होता है रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्म कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। चिन्ह यहाँ पर बताओ, ऑल मैन आर मोर्टल, इसमें टर्म्स कौन सा होगा? मैन एंड मोटर मैन और मोटर इसमें कौन होगा? ऑल ह्यूमन आर मोटर मैन, इसमें कौन होगा? ह्यूमन आर मैन। सब्जेक्ट हाँ अब देखो, टर्म तो आपको समझ में आ गया कि टर्म क्या होता है, ठीक है, कि टर्म क्या होता है समझ में आ गया, कि जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जिसको जो सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस में जो वर्ड रहते हैं, मैं उसको और सिंपल करता हूँ, जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो जो सेंटेंस में जो वर्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ठीक है। और टर्म्स क्या होता है, वो तीन प्रकार होता है, एक आपका मिडिल, मेजर और माइनर। क्या होता है, टर्म्स तीन प्रकार का होता है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म। बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल टर्म, बताओ मिडिल P1 और टर्म P2 क्या में जो होता है? P1 P2 में जो कॉमन होता है वो नहीं, वो शायद मिडिल होता है।
जो प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो टर्म कॉमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। समझ में आ गया? प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो वर्ड पर जो टर्म कॉमन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। अब मुझे बताओ, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑन ह्यूमन आर मैन, इसमें कॉमन टर्म क्या होता है बताओ? तो मैन 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 आपको समझ में आ गया कि जो प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में कॉमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। तो मैन और मैन, इसमें भी मैन है, इसमें भी मैन है, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया मिडिल टर्म, MIDDLE, मिडिल मिडिल टर्म। अब प्रीमाइस वन में जो बचे हुआ टर्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर टर्म, मेजर मेजर टर्म कहते हैं। तो बताओ, ऑल मैन आर मोर्टल, इसमें कौन सा टर्म बचा हुआ है? मोर्टल मोर्टल। मोर्टल तो क्या होगा आपका, वो आपका हो गया मेजर टर्म, क्या हो गया, मेजर, MAJOR, और मेजर। प्रीमाइस टू में जो बचा हुआ टर्म रहता है तुम क्या कहते हैं, माइनर 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 टर्म। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो है आपका उसको क्या होता है। अब एक बात देख लो कि टर्म क्या होता है आपको पता चल गया, मिडिल टर्म क्या है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस, इसका चक्कर क्या है बाबू भैया? इसका चक्कर ऐसी है, कहीं के क्वेश्चन में आपका, बहुत सारी जगहों में जी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको रहेगा कि मेजर प्रीमाइस या माइनर प्रीमाइस, आपको रहेगा कि इसमें मेजर प्रीमाइस जो है, माइनर प्रीमाइस है, इसमें कौन सा जो टर्म आपका होगा, आपके मिडिल टर्म होगा। तो प्रीमाइस वन को हम क्या कहते हैं, प्रीमाइस वन को हम मेजर प्रीमाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेजर टर्म रहते हैं, इसीलिए इसको हम मेजर प्रीमाइस कहते हैं। अब प्रीमाइस टू को क्या कहते हैं हम, माइनर माइनर प्रीमाइस कहते हैं। माइनर यू कहते हैं, इसमें माइनर टर्म रहते हैं, इसलिए इसको हम माइनर प्रीमाइस कहते हैं। अब बताओ कंक्लूशन में क्या होता है, बताओ कंक्लूशन में क्या आते हैं? चलो मिडिल मेजर तो हो गया, मिडिल माइनर, मेजर माइनर हो गया, अब कंक्लूशन में क्या आता है? मैंने क्या बोला था, कंक्लूशन में क्या नहीं मेजर आना एंड चाहिए? माइनर मेजर और मेजर माइनर एंड यस मेजर माइनर कि जो प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में जो बचे हुआ टर्म होते हैं वो क्या आता है उसको हम, वो कहाँ पर आता है, वो आपका कंक्लूशन होते हैं। तो कंक्लूशन में कभी भी क्या यहाँ होता है, कंक्लूशन में कभी भी कौन सा टर्म नहीं होता है बताओ? मिडिल टर्म नहीं मिडिल होता टर्म, कॉमन टर्म टर्म नहीं। का कोई स्थान नहीं है। तो हमें आज सब पता चल गया कौन सा टर्म में क्या नहीं होता है। तो प्रीमाइस वन क्या होता है, प्रीमाइस टू क्या होता है, मेजर प्रीमाइस क्या होता है, मेजर माइनर क्या होता है, उसके बाद मिडिल टर्म क्या होता है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, बताओ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आर्गुमेंट से लेकर टर्म तक, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, मैं उसके लिए उत्तर देंगे सज्ज हूँ। बताओ कोई क्वेश्चन, कोई गले सीखवा बता दो। सर इसमें नहीं है वो एक बार ना कैटेगोरिकल वाला AAIU वाला वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। वो भी है कर लेंगे कंप्लीट, तो इसमें कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है, है ना? देख लो एक बार फिर से कह नो सर रहा हूँ, किसी को, किसी का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि समझ में आ गया, बोले हाँ सर आ गया, अब जाके उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं लूंगा। कल आप आओगी तो मैं कल सभी को पूछूंगा आंसर, क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी तक जो मैंने कंप्लीट करा है। पहले 10 मिनट मैंने उसका पूरा रिविजन लूंगा सभी के पास से, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, एवरीवन एग्री? यस सर ओके, आगे बढ़े फिर, नहीं बढ़े फिर आप जो कहें।
चलो फिगर देख लेते हैं। देखो क्या आता है कि हिंदी देख लो, उसको क्या आता है, टाम को क्या आता है, संत क्या है, क्या करता है, इसको हिंदी क्या लिखा है, देखो सत्य ना क्या है, सत्य हमको शर्ते शर्त। अच्छा शर्ते हाँ, किसी प्रस्ताव के विषय और भविष्यवाणी को शर्त कहा जाता है। अच्छा देखो यहाँ पर हिंदी अलग ही कह रहा है, यहाँ पर तो कितना सिंपल है भाई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। यहाँ पर देखो हिंदी में कितना कह रहा है कि विषय भविष्यवाणी को शर्त कहते हैं भाई, देख रहे हो, तो इंग्लिश पर थोड़ा बहुत लॉजिकल है, इंग्लिश पर वो समझ में आ गया, हिंदी पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये करना है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा समझने सभी को, क्या करूं फिर, छोड़ दूं? ठीक सर इसको कल कर लेते हैं। है, कल हम तले दो करेंगे, कल ये वाला करेंगे फिगर वाला, और क्या है फिगर के बाद मूड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन, कल तीन पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर कन अच्छा कुर्सी ने देख रहा हूँ, आज जो मैंने पढ़ाया कोई कुर्सी ने, अफर्मेटिव पे तो हो चुका था, ये फाइव मार्क हो गया था। हाँ ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो आना है जैसे भी को, किसी को नहीं आया ना तो बताना फिर, बताओ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन आर्गुमेंट, कौन सा यहाँ पर है जो आपका आर्गुमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, का फीचर्स है, बताओ मुझे। इट इज द फर्स्ट एंड आइदर वैलिड सेकंड और सर इनवैलिड, इट इज नाइदर वैलिड इनवैलिड, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, इट इज नाइदर ट्रू और फॉल्स, बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा सर। फर्स्ट और सेकंड? वही सेकंड में कोई आंसर नहीं है, एक ही है, देख लो चार ही ऑप्शन है, इसमें कोई नहीं है, चार में से एक बताना है कौन सा है, सही बताओ सभी से। फर्स्ट ही होना फर्स्ट चाहिए थी, फर्स्ट फर्स्ट ही लग रहा वैलिड और इनवैलिड है। अच्छा लग रहा है होना चाहिए, ये क्या सर, फर्स्ट ही अभी होना चाहिए। नहीं कंक्लूजन है, फर्स्ट ही है सर। बहुत गुस्सा हो गया मैं, अभी कह रहा हूँ कि लग रहा है, क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस से बोलो कि सर फर्स्ट ही है, फिर फर्स्ट ही तो है, आर्गुमेंट क्या होता है, आधार हो वैलिड होगा इनवैलिड होगा, वो ट्रू फॉल्स नहीं आता है वैलिड कहीं आर्गुमेंट में, ना इधर वैलिड पे होता नहीं, आर्गुमेंट क्या होता है, आधार हो वैलिड होगा नहीं तो इनवैलिड होगा, इनवैलिड इसका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है ओके, चलो समझ में आ गया, चलो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास सही लगा हो, अच्छा लगा हो, पता नहीं कितना अच्छा लगा है। अच्छा कोई कह रहा था कि ए फेम हुआ सर। ना, ए फेम हुआ के वाला, ठीक है देखो ए फेमवर्क जो होता है इसमें क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था कि पहले आपको ये समझना है क्वांटिफायर क्या होता है, सब्जेक्ट क्वालिटी प्रेडिकेट, क्वांटिफायर क्या होता है, दो होता है, एक क्वांट होता है क्या छोड़ दो इसको, दो होता है, एक ऑल होता है, एक नो होता, सम होता है, ऑल में भी दो होता है, ऑल से भी क्या होता है, दो बनता है, एक यस एक नो, पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम से भी दो होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है कैसे आ गया समझ में आ गया, यहाँ से आगे देखो कि यूनिवर्सल जो क्या है कि जो पॉजिटिव वाले होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए से दर्शाते हैं, जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है उसको हम ई से दर्शाते हैं, जो पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है उसको हम आई से दर्शाते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव को हम ओ से दर्शाते हैं, समझ में आ गया, जी आया समझ में, यस और नो? यस सर ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो ए से दर्शाते हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, जो ई होता है क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव, जो आई होता है क्या होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, जो क्या होता है वो होता है, जो नेगेटिव होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, इसमें आपका होगा ऑल, अरे ई में आएगा ऑल, ई में आएगा नो, आई में आएगा साम, और वो में आएगा सम नॉट, तो ये वाला चार आपको याद रखना है, ये आएगा ऑल, ये होगा नो, आई होगा सम, और ये वो होगा सम नॉट,
ये आप याद रख लेते हो तो आगे जाके जितनी भी आएगा आपको आगे सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो, और पता नहीं कितना अच्छा लगा हो, लेकिन मैंने प्रयास किया समझाने के लिए। सर समझ में आ गया अच्छे से। सर क्वांटिफायर मतलब क्या बताया आपने? क्वांटिफायर दो होता है, एक आपका वैलिड और इनवैलिड, तो उसको दो होता है, यूनिवर्सल और नेगेटिव, एक होता है आपका पर्टिकुलर। पर्टिकुलर पर्टिकुलर बस इसको ओके। याद रखना, आगे देखिए याद नहीं है। बस क्वांटिफायर होता है क्या कि जब आप कोई आर्गुमेंट मान लो सेंटेंस बना रहे हो, अब मान लो कि आप ए से बना रहे हो कोई सेंटेंस, तब तो क्वांटिफायर क्या लोगी, ऑल लेगो ना, तो इसीलिए ऑल लेते हैं। आप मान लो आप क्वांटिफायर कि आप आज से कुछ बनाओगे तो क्वांटिफायर क्या लोगी, साम लोगी, तो क्वांटिफायर साम, तो ये आपका होता है। तो क्वांटिफायर से शुरू होता है हमारा आर्गुमेंट जो जहाँ आगे जो शुरू होगा। देखो क्वांटिफायर नहीं होगा तो बनेगा नहीं, फिर ऑल नहीं होगा तो नहीं बनेगा फिर। तो क्वांटिफायर आपको याद रखना है कि और यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, ये दोनों आप याद कर लेते हो तो आगे जाके आपको पूरे लॉजिकल समझ में आएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे कोई समझ में नहीं आएगा सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास सुनने के लिए।